साल भादवा सुदी चांदनी छठ जी तारीख दिनांक 2/9/2022 को भरपूर मेला रहेगा दादा की। बिल्कुल, भादवा की चांदनी छठ जी दिनांक 2/9/2022 को, दो तारीख नौ महीने दो और तीन तारीख का मेला भरेगा कालीनाडी जी, और 31 और 1 तारीख का बना का मेला होगा, नकद बना के शाम का मेला। यहाँ कौन सी तारीख पड़ती है एग्जैक्ट? शाम की छठ की शाम 2 तारीख। जानकारी से आपको मैं बता देता हूं कि अभी मैंने पूरे मंदिर का विजिट किया, मैंने नाडी का सिस्टम देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है निरीक्षण किया मैंने, और बाहर भक्तों के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कराई गई है, आगे पानी के लिए व्यवस्था अभी भी मिलेगी और बाद में मेले में टैंकरों द्वारा व्यवस्था मिलेगी, और खास तौर से नाडी के पास अगर मेले के पास जो भक्त जाते हैं तो नाडी के पास गंदा कूड़ा कचरा या पॉलिथीन आप ना फेंकें, अपना ही खुद है और ये एक पवित्र जल है तो उसको गंदा ना के, उससे मेरी एक आपसे नम्र निवेदन है। और साथ ही साथ नाडी जो है, नाडी का जो पवित्र जल है वो दूर दराज से भक्त आते हैं अपने घर ले जाते हैं, और ये जो पवित्र जल है वाकई में आप मानोगे नहीं क्या कष्ट करता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ पूरे मंदिर का मैंने निरीक्षण किया है, पूरी मंदिर के बाहर चारों दीवार जो है डांबर की सड़क यानी पक्की सड़क बन चुकी है, आगे जो प्रांगण है वो पूरा पक्का है, व्यवस्था है वो पूरी कमेटी द्वारा कंप्लीट की गई है। तो मैं जिता भी भंडारे आला जी और जागरण लगाने आला जी, जिता भी श्रद्धालु भगत गण आवे, मारे आगे मारी हाथ जोड़ सोलंकी परिवार री विनती है कि एक तो गंदगी ना फैलाए, बिल्कुल बिल्कुल, एक आटा या कोई भंडारे में जो भी चीज सब्जी बच गई वो उसको जमीन के अंदर गाड़े, बिल्कुल, आप छोड़ के चले जाते हो पीछे पशु मरते हैं, बिल्कुल आपको हैं। पाप होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सूचित करने वाली बात है। बिल्कुल, सभी भक्तों हमारी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि जो भी भंडारो लगावे पूरो नियम रो पालन करे, प्लेट वगैरह बची वो माल सारो जमीन में गाड़े ताकि कोई गौ माता बिल्कुल ना आघात पाए। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों, ये मेरी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, सोलंकी परिवार की रिक्वेस्ट है, और मैं शिवम बीकानेरी आप सभी को एक बार फिर से सोशल मीडिया के वर्कर होने के नाते मैं आपसे सभी से गुजारिश करता हूँ कि हम सबका मेला है और इस मेले में हम खुद को हम सबको एक पवित्र स्थान जहाँ हमें गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि ये धोरो का धरती है, काफी जो एरिया है ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर गंदगी जो है बिल्कुल ही अपने को अपने आप को सहम नहीं कर पाती, क्योंकि ये धोरों की धरती है और ये बहुत ही नाजुक है, तो आप और हम सभी मिलकर इस पावन धरा को ये सबका है, बिल्कुल I'm
Yeah.